इनके वालिद साहब बहुत अजीम शख्सियत थे और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में चंद सियासतदान जिनको हम कहते हैं कि बिल्कुल क्रेडिबल थे, ऑनेस्ट थे, हार्ड वर्किंग थे, जिन्होंने सियासत में ऑनेस्टी की वजह से अपना नाम पैदा किया, तो वो मियां हमजा साहब थे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए और इनके लवाहकीन जो हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। उनके रिप्रेजेंटेटिव से पूछें कि वो आ रहे हैं, आए तो वेलकम उनका सर। अच्छा सर, सर बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हेडक्वार्टर का दौरा किया है रावलपिंडी और उसके बाद इत्तेहादियों के साथ भी मशावरत जारी है, क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये डर की वजह से ये सब कुछ हो रहा है कि तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है या कि अपोजिशन जो है वो फाइनल मराहल में दाखिल हो चुकी है फैसला कुन? देखिये, पहली बात तो ये है कि अपोजिशन को एहतजाज का भी हक है, अपोजिशन को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने का भी उनका जरूरी हक है और हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारा मौकफ ये है कि पाकिस्तान की कौम ने हमें 5 साल के लिए मुंतखब किया है और हमें अपने 5 साल जो है वो पूरे करने हैं। अपोजिशन जो है इंतजार करे, 2023 में इलेक्शन होंगे, फिर अवाम फैसला करेगी। जी बिल्कुल, चैलेंजेस हैं और मैं समझता हूं कि हमें बहुत मेहनत करनी है अवाम की तवक्कात जो हैं वो पूरी करने के लिए, और जो इलेक्शन KPK में हुआ है उससे भी हमने बहुत से सबक जो है वो सीखे हैं और इंशाल्लाह अगला 1.5 साल हम पूरी मेहनत करेंगे।